फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात होली दहन किया जाता है। हिंदू धर्म में होली दहन को बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। इसके अगले दिन होली मनाई जाती है। इस वर्ष होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से निजात पाने के लिए होली पर कुछ उपाय भी करते हैं। इसके अलावा होली पर कुछ चीजों की खरीदारी करना भी शुभ माना गया है। इन चीजों को घर लाने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है, साथ ही साथ कई प्रकार के जो कष्ट होते हैं वो भी आपके दूर हो जाते हैं। आपको बता दें कि होली के शुभ अवसर पर वास्तु के नियमों का पालन करने से घर के जो दोष लगे होते हैं उनका निवारण होता है और ग्रह दोष, ग्रह कलेश जैसी चीजों से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। कई बार लाख कोशिश के बाद भी जीवन में आप सफलता नहीं हासिल कर पाते या घर में बरकत नहीं होती, ऐसे में होली के दिन घर में कुछ चीजों को लाने से जीवन में नकारात्मकता दूर हो सकती है। आइए जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको होली के दिन घर लानी है जिससे आपके जीवन में आ रही नकारात्मकताएं दूर हो जाएं। सबसे पहले चांदी का सिक्का। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और वास्तु के अनुसार भी होली की खरीदारी के दौरान चांदी का सिक्का जरूर खरीदना चाहिए। ये बेहद शुभ बताया जाता है। आप होली के दिन इसकी पूजा करने के बाद सिक्के को तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस उपाय को आप होली के दिन जरूर करें। बस एक चांदी का सिक्का आपको घर लाना है। बंदरवार। जी हाँ, बंदरवार बहुत ही शुभ माना जाता है। होली के शुभ अवसर पर आप आम या अशोक के पत्ते का बंदरवार लेकर आ सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि मुख्य द्वार पर बंदरवार घर में नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को रोकता है। आप चाहें तो अगर आपको नकारात्मक ऊर्जा रोकनी है हमेशा के लिए तो घर के बाहर बंदरवार जरूर बांध कर रखें। बांस का पौधा। यदि आप होली के दिन बांस का पौधा लेकर आए तो ये बड़ा ही शुभ होगा। हालांकि इसमें 7 या 11 स्टिक हो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बांस के पौधे को बहुत ही भाग्यवर्त माना गया है। अब छोटा सा कछुआ। जी हाँ, वास्तु के अनुसार होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर ला सकते हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुबेर यंत्र जरूर लिखा हो। पिरामिड। मान्यता है कि पिरामिड में धन को आकर्षित करने की बेहद शक्ति होती है। जहां पर भी पिरामिड होता है वहां अपार धन की प्राप्ति के मार्ग स्वस्थ हो जाते हैं। आप होली पर पिरामिड भी घर खरीद कर ला सकते हैं। ये सारे कुछ उपाय हैं और ऐसी चीजें हैं जो पंडित ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताई जाती हैं। अगर आप भी इन चीजों को खरीदना चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी पंडित या ज्योतिषाचार्य से इन बातों की सलाह ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।